में है, इस बुद्धि का सुख आविष्कार में है, इस बुद्धि का सुख न्याय का साम्राज्य स्थापित होने में है। इस बुद्धि को हमने ठीक रूप से समझना चाहिए और बुद्धि का सुख कैसे प्राप्त होगा इसका विचार करना चाहिए। और चौथा है आत्म तत्व स्वयं। हमारे सभी शास्त्रों ने कहा मनुष्य अपने मूल रूप में तो आत्मा ही है। आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए हमेशा आनंद सौंदर्य बोध सृजनशीलता आदि सभी का जो सुख है, सृजन का सुख है, क्रिएटिविटी का जो सुख है वह आत्मिक सुख है, प्रेम का जो सुख है वह आत्मिक सुख है, त्याग करके जो भोग से भी ज्यादा आनंद मिलता है। मैंने एक तो होता है उपभोग का आनंद, रसगुल्ला खाने का आनंद, परंतु दूसरा आनंद होता है रसगुल्ला किसी को खिलाने का आनंद। ये खिलाने का आनंद खाने के आनंद से भी ज्यादा होता है यदि हम प्रेम करते हैं। अब प्रेम नहीं करते हैं तो खाने का ही आनंद होता है, खिलाने से तो जरा मन को ऐसा ऐसा लगता है, मजबूरी में खिलाते हैं। तो ये जो खिलाने का आनंद है उसी को ईशावास्य उपनिषद ने कहा तेन त्यक्तेन गुंजिताः, दूसरों को देकर आनंद मानना, आनंद का अनुभव करना। ऐसे आनंद का अनुभव हम सबको होता ही है, नहीं होता है ऐसा भी नहीं है, केवल हम उसको वजूद नहीं ज्यादा देते और कुछ सीमित मात्रा में देने का आनंद लेते हैं, अधिक मात्रा में प्राप्त करने का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारी जीवन की व्यवस्था ऐसी बन गई है, अनात्मवादी विचार के चलते ऐसा है। परंतु मूल जो भारत का आत्मवादी चिंतन है उससे देने के आनंद का, त्याग के आनंद का अनुभव तो हम किए बिना रहते नहीं है, केवल साहस नहीं होता, अधिक ऐसा आनंद हमें अधिक मिले। इसलिए तो ये आत्मा, ऐसे शरीर मन बुद्धि और आत्मा, इन चारों का समन्वित रूप, चारों का समग्रता में विचार करके एक एक मनुष्य के व्यक्तित्व का विचार करना, उस व्यक्तित्व का विकास करने की योजना बनाना, उसके आधार पर व्यक्तिगत जीवन की रचना करना, उसके अनुसार व्यवस्थाएं बनाना, ये एकात्म मानव दर्शन का एक पहलू है। दूसरा पहलू है यह सारी सृष्टि यदि एकात्म संबंध से ही व्यक्त हुई है, परमात्मा ने इसे व्यक्त रूप धारण किया है, तो इस सृष्टि में मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, दूसरे के बिना उसका जीवन संभव ही नहीं है। और ये सारे दूसरे कौन है? सबसे पहला है जिसको हम पंच महाभूतात्मक सृष्टि कहते हैं, जिसको हम कुदरत बोलते हैं, निसर्ग बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, यह है। अब जरा विचार करो, मनुष्य नहीं होगा तो हवा बहना बंद नहीं हो जाती, वायु तो बहेगी, परंतु वायु नहीं बहेगी तो मनुष्य एक क्षण भी नहीं जिएगा। मनुष्य नहीं होगा तो नदियों में पानी तो बहेगा, मनुष्य नहीं होगा तो सूर्य तो उगेगा ही, मनुष्य नहीं होगा तो पृथ्वी तो रहेगी ही, मनुष्य नहीं होगा तब भी वृक्ष वनस्पति तो रहेंगे ही, परंतु ये सब नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन एक क्षण भी चल नहीं सकता। इसलिए मनुष्य का अनिवार्य संबंध प्रकृति का साथ है। तो फिर व्यवहार के सूत्र क्या होना चाहिए? अनात्मवादी विचार कहता है कि भगवान ने ये तो ये सारी सृष्टि मनुष्य के उपभोग के लिए बनाई है, इसलिए भगवान ने ही कहा है उपभोग करो, तो हम उपभोग करते हैं। उस उपभोग के लिए अगर हमको पेड़ काटना पड़े तो काटेंगे, भगवान ने कहा है देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अगर खरगोश को मारकर मुझे पर्स बनाना है तो उसमें क्या हानि है? पक्षियों को मारकर
मेरा घर सजाना है तो उसमें क्या हानि है, मेरे लिए तो सृष्टि है। इसलिए शोषण करना, नाश करना, परेशान करना, ये स्वाभाविक है, ऐसा अनात्मवादी विचार मानता है। परंतु आत्मवादी विचार क्या कहता है, मेरे एकात्म विचार क्या कहता है, भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाने के बाद अंतिम मनुष्य का सर्जन किया है और मनुष्य को कहा है कि मैंने तुम्हें मेरे प्रतिरूप में बनाया है, जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, इसलिए मेरे सारे काम भी तुझे करना है। और मेरा काम क्या है, तो मैंने जिस चीज को जन्म दिया उन सब का रक्षण और पोषण करना, और तुम अगर मेरे प्रतिरूप हो तो तुम्हारा दायित्व है जितने भी तुमसे छोटे हैं उनका रक्षण और पोषण करना। ये पहला सूत्र है प्रकृति के साथ के संबंध का। इन संबंध को हम चार सूत्रों में या चार स्तरों में कह सकते हैं। सबसे पहला है प्रकृति के साथ प्रेम का संबंध होना। हमारा सारा साहित्य प्रकृति के साथ के स्नेह के संबंध को, प्रेम के संबंध को ही प्रस्तुत करती है। कर्ण मुनि के आश्रम में शकुंतला पेड़ पौधों के लिए कहती है अस्तिने सहोदर स्नेह एतेषु, ये पेड़ पौधे मेरे आश्रित नहीं है, मेरा तो इनके साथ सहोदर स्नेह है। अब जब प्रेम का संबंध होगा तो किसी का शोषण नहीं करेंगे, प्रेम का संबंध होगा तो किसी का नाश नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, वो तो स्वाभाविक रूप में ही हम चिंता करेंगे सबकी। दूसरा स्तर प्रेम से थोड़ा नीचे परंतु फिर भी धारण करने वाला है, कृतज्ञता। अरे वृक्ष के कारण से मेरा जीवन है, पृथ्वी के कारण से मेरा जीवन है, वायु के कारण से मेरा जीवन है, तो मुझे कृतज्ञ रहना चाहिए। इसलिए हमारे वैद्य, हमारे घर निर्माण करने वाले फर्नीचर मेकर, जितने भी लोग हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं, नदी को माता मानते हैं, वायु देवता है, ऋग्वेद में ये प्रकृति के सारे तत्व देवता ही है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, सारे के सारे देवता है, और देवताओं का पूजन किया जाता है, देवताओं का आदर किया जाता है। किस बात के लिए, इनके कारण से हमारा जीवन है। प्रकृति के साथ कृतज्ञता का संबंध। तीसरा है प्रकृति से लिए बिना तो चलता नहीं, तो उतना ही लेना जितने की हमें आवश्यकता है, उतना ही हमारा अधिकार मानना। आवश्यकता से अधिक लेना माने चोरी करना, वो हमारे शास्त्र ने कहा, और आवश्यकताएं कम करते जाना इसको विकास मानना। तो कम से कम लेना, परंतु देने की बात आती है तो जितना अधिक दे सके उतना देना, इसको कहते हैं प्रकृति के दोहन का सिद्धांत, दोहन करना। अभी मैं कल एक गौशाला में गई थी, 20 लीटर दूध वो गाय देती है, 10 लीटर दूध बछड़े को पीने के लिए है, 10 लीटर दूध दोहने के लिए है, ऐसा भी व्यवस्था है। और यही व्यवस्था हमारे यहाँ मान्य व्यवस्था है। दोहन का अर्थ यही होता है, दोहन का अर्थ मशीन लगा कर भी ज्यादा से ज्यादा दूध मिल जाए, और जब दूध देना बंद करे तो उसे बूचड़ खाने में भेज दिया जाए, यही है। इससे सृष्टि धारण ही, सृष्टि की धारणा ही नहीं होगी अगर ऐसा चला तो। इसलिए तीसरी बात है दोहन की, और चौथा है रक्षण करना। इन सारे प्राकृतिक तत्वों का, जीव जंतुओं का, वृक्ष वनस्पति का रक्षण करना, यह मनुष्य का कर्तव्य है। अब विचार करो, ये चार अगर हमारे व्यवहार के और व्यवस्था के आधार बनते हैं तो पर्यावरण का प्रदूषण नामक शब्द ही शब्दकोश से निकल जाएगा। प्रदूषण होगा ही कैसे, अभाव होगा ही कैसे,
नाश होगा ही कैसे, अस्वास्थ्य आएगा ही नहीं, अनेक प्रकार के संकटों का निर्मूलन हो जाएगा यदि प्रकृति के साथ का हमारा संबंध व्यवस्थित हो जाए। तो एकात्म मानव दर्शन में व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि जो कहा, सृष्टि के साथ का संबंध व्यवस्थित करो, ये पहली अपेक्षा है। आज के थोड़ा सा विचार करने पर हमें पता चलेगा कि कितने सारे संकट हमारे इस संबंध के असंतुलन के कारण है। समष्टि माने इस विश्व में जो जो भी मनुष्य के रूप में जन्मा है, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, कई प्रकार का भी हो, इस समष्टि के साथ का संबंध व्यवस्थित करना। और इसका प्रारंभ कहां से होता है? परिवार में। ये परिवार की रचना और परिवार की संकल्पना बहुत अद्भुत संकल्पना है और इसका आधार ही एकात्मता है। और हमारा शास्त्र कहता है, हमारी व्यवस्था परंपरा सब कहता है, परिवार की संकल्पना शुरू होती है पति पत्नी की एकात्मता से। यह एकात्मता साध्य हो जाए तो उसी का विकास होते होते वसुधैव कुटुंबकम होता है। यदि यह नहीं हुआ तो वसुधैव कुटुंबकम होगा ही नहीं। इसलिए विवाह संस्था हमारे यहाँ इस भावना को, इस संबंध को चरितार्थ करने के लिए ही अस्तित्व में आई है। इसी का विस्तार अपने सगे संबंध पुत्र पौत्रादि सहोदर सहोदरी इसमें हुआ और इसी का फिर मेरे पड़ोसी, मेरे राज्य के लोग और विश्व के लोग, इस प्रकार से आत्मीयता का और एकात्मता का संबंध निर्माण करके यत्र विश्वं भवति एकं इदं, अथवा हे विश्वचि माझे घर, अथवा सर्वभूत हितेरता, ऐसे हमारे सूत्र बने हैं। तो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व, इन चार चरणों में समष्टि की संकल्पना देकर हमारा मनुष्य जगत के साथ के संबंध का समायोजन कैसे करना, इसकी चर्चा की है। और इस चर्चा में हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है, उनमें से कुछ प्रमुख व्यवस्थाओं के विषय में हमें बहुत बड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। उसमें से एक है, दो बात मनुष्य समाज के लिए दो बातें आवश्यक है, एक है संस्कृति और दूसरी है समृद्धि। समृद्धि के लिए उत्पादन, वितरण, बाजार, पूर्ण अर्थव्यवस्था, इन सारे विषयों की चर्चा करनी चाहिए। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि बाद में इस विषय का विस्तृत विवेचन होना ही है। इसलिए इस देश की या इस विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस संदर्भ में एकात्म अर्थ नीति, ऐसा भी विषय बहुत विचारणीय है। व्यवसाय निश्चिति मनुष्य के लिए करना क्या है, व्यवसाय निश्चिति, कैसे व्यवसाय करना, लोग नौकर न बने, लोग बेरोजगार न बने, समाज का स्वास्थ्य खराब न हो, समाज के संस्कार खराब न हो, हानिकारक बातें दूसरों के लिए, उपभोक्ता के लिए हानिकारक, मेरे लिए अर्थार्जन के सुलभ अवसर देने वाला व्यवसाय निषिद्ध है। वह समष्टि की दृष्टि से भी निषिद्ध, सृष्टि की दृष्टि से भी निषिद्ध है। अर्थशास्त्र के भी कुछ मूल एकात्मता पर आधारित सिद्धांत होते हैं जिसको भारतीय अर्थशास्त्र कहा गया है। समाज शास्त्र, वह भी एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसका भी विस्तृत विवेचन इसी दृष्टि से होने वाला है कि हमारी समाज व्यवस्था कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, राज्य व्यवस्था कैसी हो, उत्पादन, वितरण, बाजार, ये सब कैसे चले, ये सब धर्म के नियंत्रण में किस प्रकार से रहे, ये सारे विचारणीय विषय एकात्म मानव दर्शन के सूत्रों में आगे आते हैं। समग्रता में विचार माने इसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो और परमेष्ठी माने
इधर व्यक्ति के विचार में भी समझना कि मनुष्य मूल रूप में आत्मा है और इस विश्व रूप के संदर्भ में भी समझना सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये तो सारा ब्रह्म ही है और एक ही है। इस प्रकार का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से एकात्मता के विचार की अभिव्यक्ति हुई है। इसी के संदर्भ में फिर चार पुरुषार्थों का वर्णन भी है कि सारा साध्य करने के लिए हमारे शास्त्रों ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष ऐसे चार पुरुषार्थों की मनुष्य के लिए व्यवस्था की है। आज भी इन चार पुरुषार्थों की हमें अच्छे से व्याख्या करनी पड़ेगी और उसकी स्वीकृति प्रतिष्ठा प्रस्थापना कैसे हो इसके कोई योजना तो बनानी ही पड़ेगी। ऐसा सारा समग्रता में विचार करने वाला यह विषय है। अंत में यह सारा विचार जो है यह भारतीय विचार है, आत्मवादी विचार है। आज विगत 200-250 वर्षों से दुनिया उल्टी दिशा में चल रही है। हमने उसको आधुनिक ऐसा नाम दिया है, हमने उसको ग्लोबल ऐसा नाम दिया है। ये आधुनिक शब्द का गलत अर्थ है, ग्लोबल शब्द का भी गलत अर्थ है। सही अर्थ क्या है विचार करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का भारतीय अर्थ क्या है, लोकतंत्र का भारतीय अर्थ क्या है, आधुनिकता का भारतीय अर्थ क्या है, इसका विचार भी इस संदर्भ में तो करना ही पड़ेगा। परंतु आज के विनाशक व्यवस्थाओं का विचार कहां से होगा, प्रतिष्ठा कहां से होगी, तो इसके संदर्भ में हमें शिक्षा का विचार करना पड़ेगा। मनुष्य वैसा ही होता है जैसी शिक्षा उसको मिलती है, समाज वैसा ही होता है जैसी उस समाज में शिक्षा की व्यवस्था होती है। हर एक व्यक्ति को शिक्षित करने का दायित्व समाज का होता है। समाज तंत्र ठीक चले इसलिए राज्य तंत्र होता है। आज राज्य तंत्र समाज को भी नियंत्रित करता है, शिक्षा को भी नियंत्रित करता है और धर्म के अधीन नहीं चलता। धर्म तंत्र को भी अपने अधीन करता है और राज्य तंत्र को अर्थ तंत्र ने अपने अधीन बना लिया है। इस प्रकार से सारा उल्टा पिरामिड हो गया है। संकटों का कारण तो यही है। तो मूल में जाकर हमें शिक्षा की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी और शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने में एकात्म मानव दर्शन की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हमें एकात्म मानव दर्शन की ही शिक्षा देनी पड़ेगी कि विचार क्या है। और दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण पहलू है, हम प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जो जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उनका एकात्म मानव दर्शन के प्रकाश में क्या स्वरूप है इसका विचार करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सामने वो बहुत बड़ी चुनौती है। माध्यमिक शिक्षा का जो विचार कर रहे हैं उनके लिए ये करणीय कार्य है, प्राथमिक शिक्षा का जो विधान करते हैं उनके लिए ये आह्वान है। परिवारों में जो संस्कार हो रहा है, चरित्र निर्माण हो रहा है, वहां इसको लागू करने की आवश्यकता है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन के प्रकाश में परिवार कैसा होगा, परिवार में बालकों का संगोपन कैसे होगा, परिवार में बच्चों के संस्कार कैसे बनेंगे, समर्थ बालकों को जन्म देने की क्षमता कैसे निर्माण होगी, वो पहला आयाम हुआ। प्राथमिक शाला में वे बाल वय के होते हैं, बाल अवस्था में मानस बनता है, आदतें बनती है, प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उस अवस्था में एकात्म मानव दर्शन के आधार पर हमारे विभिन्न विषयों का स्वरूप कैसे रहेगा, हमारे प्रेरणा के तत्व कौन से होंगे, जानकारियां हम कैसे देंगे, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। माध्यमिक विद्यालयों में वे किशोर अवस्था के होते हैं, किशोर अवस्था में
तर्क से ग्रहण करने का, विचारों से ग्रहण करने का, चीजें समझने का, देखने का प्रयास वे करते हैं, ये उनकी क्षमता है, संभावना है। तो एकात्म मानव दर्शन को विचार के रूप में, मैंने तर्क के रूप में इस प्रकार से हमें परिवर्तित करके उसका रूप देना पड़ेगा और सभी विषयों को उस स्वरूप में हमें देना पड़ेगा। हर एजुकेशन में चिंतन करना, अध्ययन, गंभीर अध्ययन करना, अनुसंधान करना, ये सब होता है। तो एकात्म मानव दर्शन के प्रकाश में समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम क्या होंगे, अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम क्या होंगे, उसके मूल सिद्धांत क्या होंगे, एक उदाहरण देकर मैं मेरा विषय समाप्त करूंगी। आज हम अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, उसका आधारभूत सिद्धांत है इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स। कैसे चलेगा नीति, और फिर वो नीचे आते आते 10 पीढ़ियों में सामान्य व्यक्ति भी बोलने लगा, अरे भी नीति नीति करोगे तो 2 पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो अगर यह सिद्धांत मूल रूप में है तो शोषण, भ्रष्टाचार, दारिद्र और भुखमरी ये उसके स्वाभाविक परिणाम है। जैसा बीज वैसे ही फल होंगे। तो बीज अगर अनएथिकल है तो फल भ्रष्टाचारी भी होंगे और बीज में पत्तेवादी सब भी होंगे। तो भारत का एकात्म अर्थशास्त्र कहता है अर्थशास्त्र तु बलवत धर्मशास्त्र इति स्मृत। अर्थशास्त्र को धर्म के अविरोधी तो होना ही पड़ेगा। अब अर्थशास्त्र के बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोगों ने फिर से चिंतन करके अर्थशास्त्र का स्वरूप बदलना पड़ेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आधार पर समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम बनेगा। तो विवाह विच्छेद, परिवार विघटन और समाज की अनवस्था ये उसके स्वाभाविक परिणाम है। और जहां से ये आया है वहां तो यही हो रहा है। तो आत्मीयता के आधार पर परिवारों की रचना और परिवार भावना के आधार पर समाज की रचना, ऐसे समाजशास्त्र का मूल सिद्धांत तो बनाना पड़ेगा और उसके आधार पर नए पाठ्यक्रम निर्माण करने पड़ेंगे। इस प्रकार से परिवार में होने वाले संस्कारों से लेकर हायर एजुकेशन में होने वाले अध्ययन, चिंतन और अनुसंधान तक के पूरे पाठ्यक्रमों का, पूरी पाठन पद्धति का और उसके लिए आवश्यक नई सामग्री निर्माण करने का विचार शिक्षा के क्षेत्र में हमें करना पड़ेगा। तब जाकर इस शिक्षा में पढ़ी हुई एक पूरी पीढ़ी जब आएगी और वह जब देश को चलाएगी तब एकात्म मानव दर्शन के अनुसार देश चलेगा। और जब भारत अपने इस चिंतन के आधार पर अपनी व्यवस्थाएं बना लेगा तो विश्व को भी सही दिशा देगा। विश्व भी इस दिशा को लेना चाहेगा क्योंकि विश्व त्रस्त तो है परंतु मार्ग नहीं है। हम त्रस्त हैं परंतु मार्ग है, इसलिए उस मार्ग को यदि हमने प्रशस्त किया तो विश्व भी हमसे मार्गदर्शन चाहेगा। हमेशा चाहा है, फिर से भी वो तो चाहेगा ही, आज भी चाहता है। हम उस मार्गदर्शन देने की, मार्ग प्रशस्त करने की स्थिति में आए, ये हमसे अपेक्षित है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन का सम्यक रूप में अध्ययन कर, चिंतन कर, उसके अनुसार कुछ रचना बनाकर ये निरंतरता में 20, 25, 30 वर्ष का अवश्य काम है, पर 1-2 पीढ़ियों का काम है। योजना बनाकर ऐसा अगर हमने किया तो इस विश्व को संकटों से मुक्त करने का हमारा जो ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह भी हम कर पाएंगे। भगवान हमसे वह चाहता है, भगवान जो हमसे चाहता है वो सब हम कर सके ऐसी शक्ति, वृत्ति, बुद्धि वही हमें दे, ऐसी सबकी ओर से प्रार्थना करके मैं मेरा विषय समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
थोड़ा सी गर्मी में लू लग जाए और जरा वर्षा में भीगे तो जुकाम हो जाए और भूख भी सहन नहीं होती, जागरण सहन नहीं होता, थकान हो जाती है तुरंत और जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, ऐसा शरीर धर्माचरण का साधु तो नहीं बन सकता। शरीर दूसरों की परिचर्या करने के लिए है, सेवा करने के लिए है। अगर शरीर दुर्बल रहा तो दूसरों को हमारी सेवा करनी पड़ेगी, तो ये तो पहला ही उल्टी दिशा हो गई। तो इस शरीर को साधना, धर्माचरण के लिए सक्षम बनाना और इस रूप में शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का बल, शरीर की तितिक्षा, शरीर की काम करने की कुशलता, ये सारा इसमें सुख मानना, ये शरीर का सुख है। शरीर की रक्षा करना, ये भी शरीर को आवश्यक आराम देना, शरीर की आवश्यकता है आहार और निद्रा की, व्यायाम की और आराम की, ये उसको पर्याप्त रूप में देना। परंतु ये कभी नहीं भूलना कि शरीर केवल प्रदर्शन का या श्रृंगार का साधन नहीं है, शरीर सेवा करने के लिए है, काम करने के लिए है और धर्माचरण के लिए है। ये शरीर के विषय में विचार करना। मन, मन में सद्भावनाएं भी होती हैं और दुर्भावनाएं भी होती हैं। मन परोपकार भी करता है, मन किसी का भला भी चाहता है लेकिन किसी का बुरा भी चाहता है। मन में ही षड् रिपु होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि सब मन में ही होते हैं और इनके चलते ईर्षा, द्वेष, आसक्ति इतना ज्यादा होता है कि हम दूसरों का भला करने के स्थान पर अकल्याण चाहते हैं। दूसरों का कुछ भी हो जाए परवाह नहीं करते, दूसरों का कुछ भी हो जाए मुझे मिलना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। अगर दुनिया में इस मन का इसी प्रकार का व्यवहार चला और सभी के मनों का इसी प्रकार का व्यवहार होगा तो दुनिया में संघर्ष ही होगा, कलह ही होगा, शोषण ही होगा, मारामारी ही होगी। इसलिए मन का सुख भले ही लगता हो कि जो इच्छा हो वो सब पूरी करने की करने का हमारी क्षमता बने या सारी इच्छाएं पूरी हो, तो भी मन को संयम में रखना यही मन का विकास है। और अंततो गत्वा बुद्धि के अनुसरण में मन चले, यही मन की शिक्षा भी है। और मन को ऐसा साधना ही पड़ेगा तभी व्यक्तित्व विकास भी है। इसलिए मनुष्य के व्यक्तित्व में मन बहुत ही बड़ा एक तत्व है, परंतु अपनी चंचलता के कारण एकाग्र नहीं हो सकता तो आगे कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। मन उत्तेजना की अवस्था में रहता है, मन आसक्त हो जाता है, मन सुख और दुख का अनुभव करता है और मन इच्छाओं का ऐसा पुंज है कि जो एक पूरी होते ही 10 नई पैदा होती है। इसलिए महाभारत में मन की इच्छाओं की पूर्ति के संदर्भ में कहा है, न जातु काम कामानां उपभोगे न शाम्यति। हम उपभोग, मन उपभोग चाहता है परंतु जो चाहिए वो उसको दे दिया तो संतुष्ट नहीं हो जाता। न जातु काम कामानां उपभोगे न, उपभोग कर लिया, जो चाहिए वो मिल गया, इसलिए वो बस नहीं कहता है, बस हो गया अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहता। हाँ, रसगुल्ला मिला तो रसगुल्ला के लिए बस कह देगा, हमेशा कृष्ण व्रत में वह भूय एवा भी वर्तते, वो तो अग्नि को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उसमें अगर घी डाला तो अग्नि शांत नहीं होती और भड़क उठती है। ऐसे मन की इच्छा, एक इच्छा पूरी करो तो 10 बढ़ जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, मन के पीछे मत जाओ, मन को संयमित करो, मन को वश में रखो,
मन को एकाग्र करो, मन को अनासक्त बनाओ, मन को शांत बनाओ। अब आज जो चल रहा है चारों ओर, वह मन की इच्छा पूरी करने में ही हमारा जीवन पूर्ण सफल है ऐसा मानने लगे हैं। इसलिए चाहिए 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 ये तो कभी पूरा ही नहीं होता है, और ये चाहिए 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 के पीछे हमारा सारा पुरुषार्थ है अर्थार्जन करने के लिए, जो चाहिए वो सब प्राप्त करने